झुंझुनू के टेंट वालों ने एक बड़ा फैसला लिया है। झुंझुनू के टेंट वाले 8 मई से लॉकडाउन की तरह किसी को भी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। टेंट एसोसिएशन झुंझुनू के अध्यक्ष राजेंद्र फौजी ने ऑनलाइन बैठक कर यह फैसला लिया है, जिसकी जानकारी दी है। टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी चिंतित हैं, लोग शादियों व अन्य आयोजनों में भी नहीं रुक रहे हैं। ऐसे में उनके संगठन ने फैसला लिया है कि इस कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। तभी उन्होंने अब फैसला लिया है कि शादियों व अन्य आयोजनों में कोई भी टेंट नहीं लगाएगा, साथ ही यदि कोई लगाता है तो उस पर 51,000 रुपये का जुर्माना और एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाएगा। महामारी को देखते हुए हम लोगों ने पूरे ज़िले में टेंट लगाना 8 मई से जो भी हमारी बुकिंग 8 मई के बाद होगी वो सब कैंसिल मानी जाएगी। हम पूरे ज़िले में कोई भी ब्याह शादी का कार्यक्रम नहीं होगा, न ही धार्मिक कार्यक्रम होगा। और हमारे जो टेंट यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र फौजी और अभी हम ही सभी ज़िले के टेंट व्यवसायियों ने मिलकर यह निर्णय लिया है। अगर इसके बाद भी कोई टेंट लगाएगा तो उस पे हम कार्रवाई करेंगे। और सभी तहसील अध्यक्षों को भी हमने सूचना भेज दी है कि 8 मई के बाद कोई भी धार्मिक व विवाह का कार्यक्रम नहीं होगा। आगे की बुकिंग इस कोरोना चैन को तोड़ने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्याह शादियों में नवलगढ़ में देखा जाए तो 9 दिन पहले किसी दूल्हे की शादी थी, उसमें दूल्हा ही कोरोना पॉजिटिव आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे ज़्यादा हम और क्या कहें। इस कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे सभी टेंट व्यवसायियों से मोबाइल कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई और उस बात के जरिए हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में हमने यह निर्णय लिया कि इस आने वाली 8 मई के बाद में कोई भी झुंझुनू जिले से कोई भी टेंट व्यापारी किसी भी शादी किसी भी धार्मिक आयोजन में कोई भी टेंट नहीं लगाएगा। अगर बाद में इसकी रोकथाम के लिए हमने ये देखा कि अगर कोई इसके बाद में भी अगर लगाता है तो इसके ऊपर 51,000 रुपये का जुर्माना किया जाए, ताकि कोई भी इसको लगाने के लिए आगे नहीं बढ़े, ताकि सभी है ना टेंट व्यवसायी इससे सुरक्षित रहें। और इस कोरोना महामारी की चैन तभी टूटेगी जब विवाह शादियां ये सब बंद होगी, और बंद होगी तभी सारे ये चैन टूटकर कोरोना महामारी से बचाव होगा। हाँ, हमने ये नहीं लिया जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसको इस कार्यकारिणी से भी उल्लंघित कर दिया जाएगा।